जीवन ऐसे जियो जैसे अभिनय कर रहे हो, अभिनय ऐसे करो जैसे जीवन जी रहे हो। और वो बात मेरे घर कर चुकी है और वो बात मैं कभी जिंदगी में भूलूंगा नहीं। 2009 में आई पास्ड आउट एज एन इंजीनियर, ग्रेजुएशन खत्म की थी और अगले ही दिन मैंने अपने आप को एक एक्टिंग कोर्स में अप्लाई किया अपने आप को। और मुझे एक्चुअली ये जानना था कि ये क्या सिर्फ ये हॉबी है या मैं ये जीवन भर ये करना चाहता हूँ, एक अपनी लाइफ इसको देना चाहता हूँ। एंड जब वो 5-6 महीने मैंने किशोर नमित कपूर एक्टिंग एकेडमी है यहाँ पे बॉम्बे में, वहाँ पे मैंने बिताए, तो जो मुझे सबसे बड़ी सीख वहाँ पे ये मिली कि मैं श्योर था कि हाँ मैं यही करना चाहता हूँ, मुझे इस अपने काम से इश्क है। और उसके बाद फिर मुझे अनुराग कश्यप साहब के साथ एज एन ईडी बनने का मौका मिला गैंग्स ऑफ वासीपुर पे, वो बहुत बड़ी स्कूलिंग रही जब मैंने मनोज वाजपेयी जी, ऋचा चड्डा, पीयूष मिश्रा जी, नवाज भाई, इन सबको काम करते हुए इन पर्सन देखा, वो मेरी बहुत बड़ी सबक थी। और वहाँ से मैंने सीखा कि एक थिएटर का एक एक्टर के जीवन में कितना इंपॉर्टेंस है। फिर उसके बाद मैंने थिएटर 3-4 साल करना शुरू किया नसीर साहब के साथ, मानव कॉल है, कुमुद मिश्रा और भी काफ़ी छोटे मोटे थिएटर ग्रुप्स थे उनके साथ करना शुरू किया बॉम्बे में। साथ में फिर ऑडिशंस देने मैंने शुरू किए। ऑडिशंस यहाँ पे बॉम्बे में 3-4 जगह बहुत मशहूर हैं जहाँ ऑडिशन होते हैं, उसे बॉम्बे में स्ट्रगलर्स एरिया भी कहा जाता है, तो वहाँ खूब चक्कर काटे हैं। रोज़ 11 बजे सुबह एक बैग लेके निकलता था जिसमें एक फॉर्मल वेयर होता था, कुर्ता पजामा होता था, एक ट्रिमर रखा होता था, और वो लेकर मैं निकलता था कि कहीं भी जो लुक कहोगे मैं उस लुक में आके आपको ऑडिशन दे दूंगा। तो काफ़ी दरवाज़ों पे खटखटाया हूँ और पहला सवाल ये पूछा हूँ कि एम आई फिट फॉर दी ऑडिशन, तो ये सवाल पूछना बहुत ज़रूरी होता था कि क्या मैं फिट हूँ। तो ये सवाल तो ऐसा हो गया था कि ये रोज़ पता नहीं कितनी बार मैंने पूछा ये। तो काफ़ी ऑडिशंस हुए, सब कुछ हुआ, 3-4 साल ऐसे ही चले। और फिर 2013 में मुझे याद है जुबान का ऑडिशन मैंने दिया था, मोसेस सिंह की जो फिल्म थी, वो पहली फिल्म थी जो एज अ लीड क्रैक हुई थी, और उसके बाद फिर सफर शुरू हुआ। हमें सिर्फ ये सिखाया गया माँ बाप से कि आप मेहनत करो, आप जो आपका काम है वो करो, सिंसियरली करो, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो आएगा, उसमें कोई गम नहीं है। तो शायद वो इंग्रेन था अंदर कि आप करते रहो, फिर होगा नहीं होगा वो देखी जाएगी। और पापा हमेशा कहते हैं कि अगर तुम पूरी सच्चाई से आज को जीरो ना, कल अच्छा ही होगा, टेंशन मत लो। तो पता नहीं वो एक सबकॉन्शियसली अंदर बैठ चुकी है, वो घर कर चुकी है बात। और मैं सचमुच इस चीज़ को मैं बहुत पसंद करता हूँ एक्टिंग करना, तो वो शायद उसी ने मुझे रोज़ एनर्जी दी कि निकलो, आज कुछ नहीं हुआ पर कल फिर निकलेंगे, फिर कुछ करेंगे। हाँ, कुछ कुछ दिन होते थे जब आपको वो मंजिल बहुत दूर लगती है कि यार ये पता नहीं कैसे होगा, बट मुझे याद है माँ जब भी खाना खाते थे तो माँ साथ में बोलते, तू क्यों सोच रहा है कैसे होगा, तेरा काम ही नहीं है वो कैसे होगा सोचना, तू करता रहे, जो होगा वो अपने आप संभाल लेगा।